कल रैनावाड़ी कश्मीर के अंदर एक एनकाउंटर में दो खूंखार आतंकवादी मारे गए। मरने के बाद उनकी जब बॉडी की तलाशी ली गई तो रईस अहमद भट्ट के पास प्रेस का एक कार्ड मिला, मीडिया का कार्ड मिला। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मीडिया की गाड़ियां चल रही हैं, मीडिया के पासेस चल रहे हैं, मीडिया के जो कार्ड चल रहे हैं, 3,500 का एक मोबाइल खरीद के 1.5 फुट की रॉड लेके तो कहीं भी जा सकता है बंदा, चाहे वो सिक्योरिटी जोन क्यों ना हो। जो दूध बेचता है वो भी अपनी गाड़ी के आगे प्रेस का लेबल लगा के चलता है। जो इस्त्री करता है, कपड़े प्रेस करता है, वो भी अपनी गाड़ी के आगे प्रेस का लेबल लगा के चलता है। इतने पोर्टल खुल चुके हैं, सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर में ही, हर जगह कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो हर जगह सबसे आगे मौजूद होता है। नमस्कार, विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। कल रैनावाड़ी कश्मीर के अंदर एक एनकाउंटर में दो खूंखार आतंकवादी मारे गए, जिनमें से एक रईस अहमद भट्ट और दूसरा लाल अहमद रा। मरने के बाद उनकी जब बॉडी की तलाशी ली गई तो रईस अहमद भट्ट के पास प्रेस का एक कार्ड मिला, मीडिया का कार्ड मिला। इसका मतलब यह है कि वह इस कार्ड को पता नहीं कब से मिसयूज कर रहा था। यह तो होना ही था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से मीडिया की गाड़ियां चल रही हैं, मीडिया के पासेस चल रहे हैं, मीडिया के जो कार्ड चल रहे हैं, उसको देखकर हमने एक बार नहीं बहुत बार चिंता जताई थी। आज जो दूध बेचता है वो भी अपनी गाड़ी के आगे प्रेस का लेबल लगा के चलता है। जो इस्त्री करता है, कपड़े प्रेस करता है, वो भी अपनी गाड़ी के आगे प्रेस का लेबल लगा के चलता है। हर एक आदमी जम्मू में जब आप नजर डालते हैं, हमें भी 40 साल 45 साल हो गया इस फील्ड में काम करते हुए, जब हम देखते हैं कि प्रेस की गाड़ी आ रही है, हमारे दिलो दिमाग में यही होता है कि हमारा कोई साथी आ रहा है। लेकिन हैरान हो जाते हैं देख के जब उनकी गाड़ी के अंदर वो सामान पड़ा होता है जो बेचने जा रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार हमने इसके बारे में प्रशासन से बात की थी कि ये एक बहुत खतरनाक चेतावनी है, जिस तरह से ये मिसयूज कर रहे हैं मीडिया का नाम का। हमने पहले भी कहा था कि इस पे ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो उस वक्त थोड़ा सा असर हुआ तो हमें अपनी गाड़ियों के लिए SSP जम्मू के साइन किए हुए जो लेबल थे वो मिले, हमने गाड़ियों पे लेबल लगाए। आज भी हमारी गाड़ी पे वही SSP के सिग्नेचर का लेबल लगा हुआ है, लेकिन बहुत कम उसके बाद उसको रिन्यूअल नहीं किया गया, उसके बाद उसको दोबारा देखा नहीं गया। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता ये है, हमने पहले इस पर बहुत बार स्टोरी की है कि जम्मू के अंदर, जम्मू क्या, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से पोर्टल चल रहे हैं, 3,500 का एक मोबाइल खरीद के 1.5 फुट की रॉड लेके वो कहीं भी जा सकता है बंदा, चाहे वो सिक्योरिटी जोन क्यों ना हो। हमने अखबार निकाली, हम पोर्टल चला रहे हैं, और मेरे साथ मैं ही नहीं, वो बाकी साथी मेरे भी हैं जिन जो इस रास्ते से निकल के चल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त हमने अखबार निकाली, हमारी इंक्वायरी हुई थी, CID इंक्वायरी हुई थी, पुलिस इंक्वायरी हुई थी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इंक्वायरी हुई थी, इन सब जगह से NOC ली के फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें अखबार निकालने की इजाजत दी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि जो असली जर्नलिस्ट हैं वो आज आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि यहां पे इतने पोर्टल खुल चुके हैं, सिर्फ जम्मू में नहीं, कश्मीर में ही, हर जगह कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो हर जगह सबसे आगे मौजूद होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन जरा ध्यान से सोचो कि वो पुलिस के फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं, वो आर्मी के फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो कल को ये एक नहीं, बहुत से रईस अहमद होंगे जिनके पास फक्टिशियस कार्ड होंगे। हालांकि रईस अहमद जो फोटो जर्नलिस्ट था जब आतंकवादी बना उससे पहले, लेकिन फिर भी उसने अपने पास वो कार्ड रखा, उस कार्ड का मिसयूज किया। अब एक बार फिर हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि इसको चेक किया जाए, और अभी तक असलियत में जो काम कर रहे हैं, रियलिटी में जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, अभी तक उनके पास कार्ड नहीं है। आप हैरान होंगे कि हमारे कार्ड जो है 31 दिसंबर को
एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बाद कार्ड इशू नहीं हुए। उसके अलावा एक्रेडिटेशन के कार्ड नहीं इशू हुए, उनके भी खत्म हो चुके हैं। अगर कोई पॉलिसी है इससे पहले कि ये बाकी के लोग भी इसको मिसयूज करें, अगर कोई पॉलिसी है उसे जल्दी से जल्दी सामने ला के कम वो जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास सही कार्ड होना चाहिए, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मैं हम किसी पोर्टल के खिलाफ नहीं है, हम किसी को और चीज के खिलाफ नहीं है, लेकिन जेन्युइन होने चाहिए। यहीं से जो हम एंटी नेशनलिस्ट जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिविजनल कमिश्नर को एक बार फिर इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो रास्ता सही है जो उसको अपनाएं, जेन्युइन कार्ड इश्यू कीजिए, गाड़ियों के जेन्युइन लेबल इश्यू कीजिए, ताकि हमें भी फख्र हो ये कहते हुए मैं प्रेस से हूं मीडिया से हूं, जब हम देखते हैं अपने साथ उन लोगों को जिनका कहीं भी प्रेस और मीडिया से लेन देन नहीं है, दूर का भी रिश्ता नाता नहीं है, वो अपने आप को मीडिया वाला कह के सबसे आगे घुस जाते हैं, और आखिर रिजल्ट ऐसा ही सामने आएगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।